मिल रही है। रवि विश्नोई हमारे साथ बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं बीकानेर से। मैं एक बार फटाफट से रवि के पास में चल लेता हूं, उनसे जानकारी ले लेता। रवि आपको जोड़ रहा था, मैंने आपको बीच में रोका था, अभी क्या सूरत हाल दिख रहा है? शांति कुमार धारीवाल पीछे हो गए। राहुल सूरत हाल है, 7 विधानसभा सीटें हैं बीकानेर की, 5 में भाजपा आगे है और 1 पे यहाँ माकपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है श्री डूंगरगढ़ में। और लोन करंसर की सीट पर फिलहाल कड़ी मुकाबला जो है प्रभुदयाल सारस्वत और कांग्रेस के राजेंद्र मोंड के बीच में देखा जा रहा है। फिलहाल जो भी ये नतीजे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड के कंप्लीट हो चुके हैं। बीकानेर पश्चिम में सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, जहां बीडी कल्ला 2000 वोटों के आसपास जो है जेठानंद व्यास उनसे फासला बनाए हुए है। कुल मिलाकर अंशुमान सिंह भाटी कोलायत से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, बिहारी बिश्नोई ने यहाँ पर मौका मारा है नोखा में फर्स्ट राउंड में, साथ ही गिरधारी मैया ने यहाँ पर मौका मारा है फर्स्ट राउंड में। तो मैं बात कर लेता हूं अगर बीकानेर पूर्व और पश्चिम की, तो आप पश्चिम का मैं बता चुका हूं, पूर्व से सिद्धि कुमारी जो है यहां से आगे निकल रही है और खाजूवाला चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं लगातार। 2000 वोटों के आसपास विश्वनाथ मेघवाल भाजपा के, वो गोविंदराम मेघवाल से ऊपर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों का जो अनुमान है वो हमारे सामने आ चुका है। लगभग 5 सीटें जो है बीजेपी, किसी भी एक भी सीट पे कांग्रेस आगे नहीं दिख रही है, बिल्कुल कहीं भी आगे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस लूनकरण सर ने प्रभुदयाल सारस्वत को जो निर्दलीय हैं उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यहाँ राजेंद्र मोंड और प्रभुदयाल सारस्वत का मुकाबला जो है वो कांटे का बना हुआ है। इसके अलावा बाकी की 5 सीटें, एक सीट तो श्री डूंगरगढ़ की आप छोड़ दीजिए, वहाँ माकपा के गिरधारी मैया अभी तक जो मत गिने गए हैं उनमें पहली पसंद यहाँ जनता की बने हुए हैं। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, परंतु 7 में से 5 जगह बीकानेर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जी राहुल शुक्रिया। रवि आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। 2 दिनों की तो बात